हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप सब अच्छे ही होंगे तो आइए आज हम बनाएंगे कुकर वाली भिंडी ये इतनी टेस्टी भिंडी बनकर तैयार होगी कि आप भी कहेंगे वाह और झटपट बन जाती है और ये जो रेसिपी है ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है मैंने फर्स्ट टाइम ये वाली भिंडी अपनी सासू माँ के हाथ से ही खाई थी और ये खाने में इतनी टेस्टी लगी ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती लफ्ज़ों में तो ये वाली भिंडी एक बार आप भी बना देखिएगा और इसकी रेसिपी झटपट बनकर तैयार हो जाती है कुछ फालतू के इसमें कोई मसाले नहीं कोई कुछ भी नहीं तो आइए चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं उसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली है और इनको मैंने धो लिया है और इनको धोने के बाद इनको ना तो पोछने का टेंशन है और ना ही कोई टेंशन है तो इसलिए इसको पोचने की भी जरूरत नहीं है आप उनको गीली भी यूज़ कर सकते हैं ये मैंने एक कटोरी ली है इसमें हम भिंडियों का मसाला तैयार कर रहे हैं एक चम्मच हल्दी पाउडर तीन चम्मच लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च तीखापन थोड़ा ज्यादा ही रखें क्योंकि अगर ये भिंडी तीखी नहीं होगी और चटपटी नहीं होगी तो खाने में इतना मजा नहीं आएगा तो और साथ ही इसमें ऐड करेंगे दो चम्मच धनिया पाउडर और अब हम इन सभी मसालों को आपस में एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा-थोड़ा सा इसका हम एक थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा बिल्कुल पानी जैसा पतला भी नहीं तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से आपस में मसालों को मिक्स कर लेते हैं थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा दो से तीन चम्मच पानी और ऐड कर रही हूँ और इसको हम फिर से मिक्स कर लेते हैं तो बस इतने हम इसको इतना ही गाढ़ा बनाना है ये देखिए और इसको हम साइड रख देते हैं ताकि ये अच्छे से जो हमारे मसाले हैं ये फूल जाएं तब तक हम अपनी ये भिंडियाँ काट कर तैयार कर देते हैं तो ये भिंडी मैंने आधा किलो ली है तो मैं उसी हिसाब से आपको हर चीज़ का मेजरमेंट बनाऊ बताऊँगी तो इसका इस तरह से ये वाला हिस्सा काट के ऊपर और साइड का और नीचे का और इस तरह से हम इसकी भिंडी के बड़े बड़े पीसीस कर लेंगे बहुत ज़्यादा हमें इसके पीसीस छोटे नहीं करने हैं ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको ये देखिए इतना बड़ा साइज़ तो इसी तरह से आप भिंडी को सारी काट लें और ज़्यादा बड़ी बड़ी भिंडी भी ना लें क्योंकि जो बड़ी भिंडी होती है वो पक्की होती है तो इसलिए आप जो हो सके तो थो, थोड़े छोटे साइज़ की ही भिंडी लें और इनको हम सभी भिंडियों को एक बार काट लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ तो ये देखिए मैंने सारे भिंडिया काट ली हैं और अब ये मैंने साथ ही पांच टमाटर भी लिए हैं ये इनको मैंने धो लिया है और हो सके तो प्लीज़ आप देसी टमाटर ही लें क्योंकि इनमें जो भिंडियों में खट्टापन आता है वो बहुत बहुत अच्छा लगता है तो इनको भी हम रफली काट लेते हैं हमें टमाटरों को ज़्यादा छोटा नहीं काटना है इस तरह से ये देखिए इनको हमें रफली ही काटना है तो बस इसी तरह से मैं एक बार सारे काट लेती हूँ फिर मैं आपको बोलती हूँ तो ये देखिए दोनों चीज़ को मैंने इसे अच्छे से काट लिया है और उनको मैंने काट कर तैयार कर लिया चलते हैं गैस की तरफ ये मैंने कुकर में सरसों का तेल लिया है तेल अच्छे से गर्म है और इसमें अब दो चम्मच में जीरा ऐड कर रही हूँ जीरो को हम अच्छे से तड़कने देंगे ये देखिए जीरा भुन चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी कटी हुई भिंडी इसमें ना ही कोई प्याज डलता है ना ही लहसन डलता है और उसके बावजूद भी ये इतनी अच्छी बनकर तैयार होती हैं कुकर में भिंडी झटपट बन जाती हैं अगर आप टिफ़िन में अपने हस्बैंड वगैरह को देना चाहते हैं तो सुबह सुबह मॉर्निंग में सबको जल्दी होती है तो आप ये वाली भिंडी बनाकर दे सकते हैं तो मैंने टमाटर भी सारे साथ ही इसमें ऐड कर दिए हैं और अब हमने जो हमने मसाले भिगो के रखे थे वो भी हमारे अच्छे से फूल गए हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसी कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हम ये देखिए इस तरह से मसालों का यूज कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक गिलास पानी तो बस इसमें एक गिलास पानी ऐड करने के बाद इन सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर दें एक बार आप ये वाली भिंडी एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा ये बहुत बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगी और यकीन मानिए और बस इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और ये हमारे जो मसाले हैं और जो जितनी भिंडी वगैरह है वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब हम इसको ढक देते हैं ये देखिए कुकर की मदद से इस कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें अब हम इसे पाँच से छः सीटी मार लेंगे फुल फ्लेम पर उसके बाद इसकी जब विसल अपने आप निकल जाए तभी कुकर खोलें तो ये देखिए इसकी विसल अपने आप निकल गई है और अब हम कुकर का ढक्कन खोल रहे हैं और ये देखिए हमारी जो भिंडी है वो कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है अब हमें क्या करना है इसका चमचा चलाते हुए इन भिंडियों को हमें अच्छे से मैश करना है चमचे की मदद से ही करें और देखिए इस तरह से चमचा चलाते हुए इन भिंडियों को अच्छे से मैश कर लें ये देखिए जिस तरह मैं दिखा रही हूं आप बिल्कुल उसी तरह से बनाइएगा और ये देखिए ये जो हमारी भिंडी है ये भी हमारी मैश होकर तैयार हो गई है ये देखिए और अब आपको क्या करना है जो ये भिंडी है ना इसको आप एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें कि इसमें जो खट्टापन है और जो मिर्ची है बिल्कुल अच्छे से है ना अगर इसमें खट्टा कम लगे आपको तो इसमें एक चम्मच इसी स्टेज पर आप इसके अंदर अमचूर ऐड कर सकते हैं तो मेरा खट्टापन एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गया टमाटरों की मदद से तो बस अब मैं इस भिंडियों को सर्व कर लेती हूँ एक बाउल में और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए भिंडी को हमने सर्व कर लिया है और ये देखिए हमारी एकदम टेस्टी सी बढ़िया सी भिंडी बनकर तैयार है ये झटपट बनकर रेडी हो गई है इसे आप रोटी के साथ पराठे के साथ किसी के साथ भी खा सकते खाने हैं खाने में बहुत टेस्टी लगेगी अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग